जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति पर कहा कि 56 साल के बाद इतनी ज्यादा बाढ़ आई है। संजय कुमार झा ने कहा कि मैं खुद देखकर आया हूं, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो या कोई और, प्रशासन के सभी लोग लगे हुए हैं। स्थिति किस तरह से, क्योंकि लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे पास किसी भी तरीके का राहत सामग्री नहीं। मैं तो कल खुद गया हूँ और ऐसे जगह गया जहाँ की ब्रीच हुआ था दरभंगा और सहरसा में। पहली बात तो ये कि इतना अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है, 6,61,000 क्यूसेक पानी आना, 56 साल के बाद इतना बाढ़ आया, ये तो अलर्टनेस था डिपार्टमेंट का और सरकार का कि बहुत जगह ब्रीच नहीं हुआ। और जहाँ पर भी ब्रीच हुआ है वहाँ राहत कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। मैं खुद देख के आया हूँ, चाहे वो खाने का व्यवस्था हो जो कैंप लगता है, चाहे पॉलीथीन सीट हो, सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जा कर के देख के आए हैं और कल दरभंगा और सहरसा जा रहे हैं फिजिकली भी देखने के लिए। और बिहार में बाढ़ हम लोग लगातार बोलते रहे हैं कि भाई ये नेपाल से आता है, इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन भी वहीं से, इतना पानी आएगा, दबाव रहेगा तो समस्या तो है। लेकिन अब जो दरभंगा में टूटा, 7 किलोमीटर में सड़क के ऊपर 1.5 फीट पानी चल रहा था, अब उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारा विभाग और प्रशासन के लोग बचाने में लगे रहे लेकिन ब्रीच कर गया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है। संजय झा ने आगे कहा कि हम लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में बाढ़ की समस्या नेपाल से है, राहत कार्य जोरों पर है। हम केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तत्काल राहत बजट जारी किया। राहत और रिलीफ का काम जोरों पर है, हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को भी कि केंद्र सरकार ने भी आपको इमिडिएटली रिलीफ का पैसा भी दिया है। और एयरपोर्ट से जो ड्रॉपिंग होता है आपको फ्लाइट से, सब जगह जहां एक्सेस प्रॉब्लम है वहां फूड पैकेट्स भी ड्रॉप किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हो रही है अपोजिशन के द्वारा। मुझे नहीं पता क्या राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं, समझ में भी आता है, सारा अरेंजमेंट इससे पहले भी सरकार चलाते थे ना, तो क्या देते थे वो पता है कि नहीं, इससे पहले भी सरकार चलाते थे, तो सारा अरेंजमेंट किया गया है, खाने का इंतजाम है। मैं तो कह रहा हूँ आपको कैंप लगा हुआ है, मैं पूछा कल, मैं खुद जाके देखा तो सब जगह SOP जो बनाया हुआ नीतीश कुमार जी के द्वारा वो सारा काम हो रहा, कहीं राहत में और किसी तरह के काम में कोई कमी नहीं रहेगी। गौरतलब है कि संजय कुमार झा ने बीते बुधवार को कोसी नदी के पश्चिमी और कमला नदी के पूर्वी तटबंध के बीच किरतपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। बिहार के कई जिलों में गुरुवार को बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही और ज्यादातर स्थानों पर नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया, जहां पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।